हेलो एंड वेलकम जोहार नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का बच चुकी रन बेरिया, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके संघर्ष होंगे जारी, जो नित्य अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहेंगे। तो चलिए करते हैं लक्ष्य को भेदने की उपाय, करते हैं संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रहेगा इसमें, क्लास 9 का प्रश्नावली 13.1 जो पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बोलता है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो जो जो दिया हुआ है इसको यहां लिख लीजिए। यहां पहले हल लिख लो भाई, क्योंकि एल बराबर 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिए हुए, हमने इसको लिखा। अब बोलता है 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय करना। तो कमरे की दीवार मतलब 4 दीवार होते हैं और छत जो होता है आयत होता है, उसके ऊपर सफेदी कराना है, व्यय ज्ञात करना होगा। तो पहले हम लोगों को इसका क्षेत्रफल तो निकाले, तो चलिए निकालते हैं। इसलिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 2 × L + B × H, इस फॉर्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे। तो 2 L का वैल्यू कितना भाई 5, B का वैल्यू 4, H का वैल्यू 3, तो 2 × 5, 5 × 9 हो गया और यह हो गया 3, तो 5 × 9 जोड़ दिए। अब इन तीनों को गुना कर दिए तो 9 × 3 = 27 और 27 × 2 = 54, 50 मीटर स्क्वायर। तो 4 दीवार को तो आ गया, लेकिन छत में भी पहुंचाना करना है, नीचे लिखेंगे तथा छत का क्षेत्रफल। तो छत का जो क्षेत्रफल होता है, जो छत होता है उसकी आकृति कैसी होती है, आयत की, और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना 5 × 4, तो आया 20 मीटर स्क्वायर। तो दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, छत का क्षेत्रफल आ गया, तो लिखेंगे इसलिए सफेदी कराने वाले या की जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, सफेदी की जाने वाली भाग का क्षेत्रफल। तो सफेदी की जाने वाली भाग कौन कौन है, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल है प्लस छत का क्षेत्रफल, मतलब 54 मीटर स्क्वायर + 20 मीटर स्क्वायर, जोड़ दिए तो 5 × 7 आ गया 74 मीटर स्क्वायर। इतना में हम लोगों को पोचाड़ा करना है, सफेदी करना है। अब निकालना है इसका व्यय, अतः सफेदी करने का व्यय, या कह सकते हैं खर्च। तो सफेदी करने का व्यय कैसे निकलेगा, तो जो हमारा एरिया है उसमें 7.50 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 74 × 7.50, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 555। क्या आया, ₹555, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ उसकी जानकारी लिख लो भाई। हल पहले लिखना पड़ेगा, यहां क्या दिया हुआ है, या चुकी करके भी लिख सकते हैं, चलो चुकी लिख देते हैं। चुकी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर दिया हुआ। अब यहां ध्यान से देखिए,
बोलते हैं यदि 10 रुपया प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत दिया हुआ है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब निकलेगा क्या, एक चीज और जानकारी दिया हुआ है यहाँ, क्या दिया हुआ है, कुल लागत दिया हुआ है, मतलब पेंट कराने में लगा कुल खर्च, उसको हम लोग बोलते हैं कुल लागत, कितना दिया हुआ है 15,000 रुपया दिया हुआ है। और एक चीज और जानकारी दिया हुआ है, वो है सफेदी कराने की, पेंट कराने की दर दिया हुआ है, पेंट कराने की दर की चर्चा है, तो दर कितना है ₹10। तो क्या लिख लेगा इससे, क्या लिख लेगा इससे, निकल जाएगा चार दीवारों का क्षेत्रफल लिख लेगा, इसलिए चार दीवारों का क्षेत्रफल। आप कैसे निकालोगे चार दीवारों का क्षेत्रफल, तो कोई बड़ा काम नहीं है, इसमें लिखिए कुल लागत बटा दर, कुल लागत 15,000, दर कितना 10, भागा दे दीजिए तो 1500 मीटर स्क्वायर आ गया, तो चार दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 1500 मीटर। लिखिए चूंकि चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कितना 1500 मीटर स्क्वायर, इसलिए हम लोग को पता है चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × L + B और × H होता है बराबर 1500। इसमें ध्यान से देखिए तो क्या है, 2L + B का वैल्यू दिया हुआ है, परिमाप का वैल्यू, आयत का परिमाप क्या होता है 2L + B होता है, तो 250 दिया हुआ है, तो 250 × H बराबर 1500 दिया हुआ है, इसलिए H बराबर कितना होगा 1500, ये जाके 250 भागा दीजिए तो 0,0 कट गया और 150 25 का पहाड़ा में कितनी बार में आता है, तो 6 बार में आता है, तो आ गया 6 मीटर, ऊंचाई जो निकालने बोला था 6 मीटर आ गया। नीचे लिख दो अतः अभीष्ट ऊंचाई अर्थात H बराबर क्या है 6 मीटर आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों प्रश्न एनी वीडियो की जैसा अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो तुरंत लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और कोई समस्या होगा तो कमेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।